धौलपुर राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। इंदिरा रसोई में आमजन के साथ मनाया जन्मदिन। सरमथुरा कस्बा में प्रमुख समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता संजय अग्रवाल ने अपनी धर्मपत्नी मंजू अग्रवाल का 49वां जन्मदिन पर इंदिरा रसोई में जाकर बड़े ही धूमधाम से इष्ट मित्रों सहित मनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। इस संदर्भ में समाज सेवी संजय अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन पर मैंने इंदिरा रसोई में गरीब लोगों के बीच जाकर जन्मदिन मनाया। मंजू अग्रवाल ने कहा कि मेरे पति द्वारा जो कार्यक्रम किया है वो मेरे लिए पूरे जीवन भर यादगार रहेगा। साथ ही वीवीएन रिपोर्टर शिवम दीवान की ओर से अपील है कि कोई भी भूखा ना सोए के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे ही सार्वजनिक स्थान जैसे इंदिरा रसोई, अपना घर, सेवा समिति, वृद्ध आश्रम सहित अन्य ऐसे ही स्थानों पर करे और अपने कार्यक्रम को यादगार बनाए। इस दौरान नगर पालिका चेयरमैन जलाल खान, पूर्व सरपंच हरिओम गर्ग, मुस्लिम समाज अध्यक्ष भुट्टो खान, कांग्रेस नेता अशोक त्रिपाठी, मुकेश तिवारी, खट्टू गोयल, कयूम खान, वरिष्ठ पत्रकार नाहर सिंह चौहान, मोहित गर्ग, सचिन मीना, विष्णु सोनी, शिवम दीवान, राजेश कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य लोगों सहित इष्ट मित्र उपस्थित रहे। आपका 49वां जन्मदिन है, सर्वप्रथम तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही जन्मदिन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले थैंक यू आपको। हमारा उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और अपना मतलब सेलिब्रेट भी करें बच्चों का बर्थडे वगैरह। और उसके अलावा जैसे बहुत से लोग गरीब हैं, खाना नहीं मिल रहा है, वो भी संकोच करते हैं लोग आने में, तो थोड़ा वो भी आए और यहाँ आके खाना खाएं अपना। जिस तरीके से जो आपके द्वारा आज जो इंदिरा रसोई सरमथुरा पर जो जन्मदिन का कार्यक्रम रखा गया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये बच्चों का भी उद्देश्य था, ये यहाँ मतलब गरीबों में खाना खिलवाया जाए और बाकी पति देव की भी इच्छा थी। सर्वप्रथम तो आपको आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही ये जो आपके द्वारा आज जो इंदिरा रसोई सरमथुरा पर जो कार्यक्रम किया गया, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैडम का 49वां बर्थडे था, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यहाँ पे भी हम लोग बच्चों का जब बर्थडे मनाते हैं तो सबको ये संदेश है कि सब लोग यहाँ इंदिरा रसोई में आके बनाएं, जिससे गरीब लोगों का अच्छा खाना हो जाए। सरकार तो अपने हिसाब से खिला ही रही है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जिले में, राज्य में हम लोग देखते हैं हर तीसरे दिन चौथे दिन जो भी अच्छे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बर्थडे मतलब आजकल क्या है, केक वाली पद्धति हो गई है, इसको हटा के और अपन लोग इन लोगों में जाएं, गरीबों में जाएं। भरतपुर में अपना घर है, बाड़ी में अपना घर है, करीब 1200 रसोई संचालित हैं गहलोत सरकार के द्वारा, इनमें मनाएं तो सबसे अच्छा है।